बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिनो हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। बच्चियों के सवाल ज़्यादा हैं, बच्चियाँ गलतियाँ भी शायद ज़्यादा करती हैं। अगर इनकी तादाद ज़्यादा है और इनसे मोहब्बत ज़्यादा है तो मुझे लगता है इनको एहतियात भी ज़्यादा करनी चाहिए। जब जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो तब आते हैं जब मसला उनके हाथ से निकल जाता है, या माँ बाप परेशान होकर उनको ले कर आते हैं, या जब अपनी रूह उनकी ज़ख्मों से चूर होती है और अपनी गलतियां उन्हें शर्मसार करती हैं और आने वाले दिन उनको बहुत बुरे नज़र आते हैं और उनसे बार बार गलत फ़ैसले हुए होते हैं। तो फिर वो काउंसलिंग हमेशा उस वक्त होती है जब आपसे फ़ैसला नहीं हो रहा होता, जब आप ऐसे दुराहे पे होते हैं कि यहाँ को बहुत बड़ा डिज़ास्टर आपके सामने हो सकता है, तो फिर आप मशवरे के लिए आते हैं, बैठते हैं, अपना मसला बयान करते हैं। ये किसी भी उम्र में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो दो सवाल आज मेरे सामने हैं, ये दोनों मुझे लगता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग बच्चियों ने किए हैं, मैं उनके नाम बदल रहा हूँ, और लेकिन जो आगाज़ है, जो बुनियाद है, वही दूसरे के साथ जाके जुड़ती है। पहला जो सवाल है ये अंदलीब ने किया है, और अंदलीब इनका असली नाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि सर, मैंने वो सारी गलतियाँ की हैं जो आपने अपने क्लिप में मंगेतर को मैक्सी दिखाने से ले कर जिस्म दिखाने तक का कहा है, इन सारी गलतियों की मैंने कीमत चुकाई है। ये गलतियाँ मैंने एक लंबे अरसे तक की हैं, पूरी दुनिया से मैंने छुपाया पर रब से नहीं छुपा पाई। रब ने मेरा पर्दा रखा, मेरी हया रखी, पर मैंने उसकी नाफरमानी की जो उसको मुझे भुगतना पड़ा कि कई बरसों के बाद मुझे न सिर्फ डॉक्टरों की डांट सुननी पड़ी, उनकी बदतमीज़ी सहनी पड़ी, फिर एक नीम डॉक्टर LHV से जाके मैंने अपने जिस्म के टांके लगवाए और वो मुझे अब भी हर्ट करते हैं, और मैं जब उनको देखती हूँ और महसूस करती हूँ तो शर्मिंदगी से मेरा जी चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। जिसने मेरे साथ ये सारा किया वो मेरी ज़िंदगी से निकल गया, उसने कभी मुड़ के भी नहीं देखा कि मुझ पर क्या बीती। और ये मेरी ज़िंदगी ऐसे है जैसे एक अजाब हो, मुझे यहाँ ये डर है कि यहाँ मैं किसी ना किसी के सामने बेइज्जत हो जाऊँगी, रुस्वा हो जाऊँगी। वहाँ मुझे ये भी डर है कि अल्लाह के सामने जाके मैं कैसे आँख उठा के उसकी तरफ देख सकूँगी। ये सारी नाफरमानी जो मुझसे हुई इसकी कसूरवार मैं हूँ, और प्लीज़ मुझे दुनिया में शर्मिंदा होने से बचा लीजिए। अंदलीब को मैंने जो पूरा हमारा सेशन होता है जिसमें एक पूरे माह का कोर्स होता है जिनमें मैं गाइड कर देता हूँ, पर उन बच्चियों को जो तौबा कर लेती हैं, जिनको अपने गुनाह का, गलती का एहसास हो जाता है, वो उसको मैंने बताया और साथ दुआ भी बताई कि ताकि रब उसके दिल में अपनी पिछली गलतियों पे रोने का, पिछली गलतियों पे तौबा करने का। देखें, जब जब हम पिछली गलतियों को ओन करके हाथ जोड़ते हैं तो मेरा मानना तो ये है कि रब मेहरबान हो जाता है। अगर कोई गुस्ताख हो, अपनी गलती पे अटका रहे, अड़ा रहे, तो उसको अल्लाह की नाराज़गी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और उसकी सज़ा ज़्यादा सख्त होती है। मिसबा ने पूछा है कि सर, अगर कोई लड़का आपसे सच्चा प्यार करता हो और उसने आपको अपने घर वालों से भी इंट्रोड्यूस करा रखा हो, फैमिली भी बहुत अच्छी हो, लेकिन लड़की का वालिद राज़ी ना हो और वो बताए कि उसका ख्याल है कि लड़का अच्छा नहीं है और उसके घर वाले भी ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, और वो लड़के से मुलाकात करने पे भी तैयार ना हो, तो लड़की को क्या करना चाहिए? क्या वो वालदैन को छोड़ के लड़के के साथ चली जाए, या लड़के के साथ अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप को बग़ैर किसी हद के रखे कि अगर वो नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानती? खातिन हज़रात, ये जो सवाल है ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा आपके किसी दोस्त की तरफ से हो या आपके कज़न की तरफ से हो, दोनों का अंजाम एक है, बकरी ने ज़िबा हो जाना है और छुरी के नीचे आपने आना है, तो फिर जो लालो लाल आप गर्दन आपकी कटेगी तो उसको सीने को ही नहीं आता। इस बात को याद रखिएगा कि पाकिस्तान में, बरसग़ीर में, जहाँ भी फैमिलीज़ वाले लोग हैं, जहाँ ख़ानदान मौजूद हैं, जहाँ लोगों का दीन मौजूद है, जहाँ लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ शादी लड़का और लड़की राह चलते हाथ पकड़ के किसिंग करते हुए किसी कोर्ट में जाके जज के सामने, जज साहब हम मोहब्बत करते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज, कल, परसों, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद हम नहीं जानते क्या होगा, पर अभी आने वाले कितने सालों में मुझे ये लगता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
इसमें फ़ायदा लड़कों का नहीं है, इसमें कुल्लुहुम फ़ायदा लड़कियों का है, इसलिए सारा नुकसान इन्हीं का होता है। तो जब जब कोई कज़न, जब जब कोई क्लास फेलो, जब जब कोई दोस्त आपसे कहे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, फिर अपनी बहन से मिलवा दे, फिर अपने भाई से मिलवा दे, फिर अपनी माँ से मिलवा दे, तो बेटा ये सब मिलवाना है, एक स्मोक स्क्रीन है, इट्स अ बिग ज़ीरो। इसलिए कि उसकी माँ ने या उसकी बहन ने शादी नहीं करनी, शादी आपने करनी है। और शादी में हाँ आपने करनी है, आपके रिश्ते की आमादगी आपकी फैमिली ने देनी है। अगर ये लड़का सीरियस है, कज़न है या दोस्त है, तो उसे अपनी माँ से कहना चाहिए, बाप से कहना चाहिए, जो रवायत है, जो रस्म है, जो रिवाज है, वो आपके घर जाएं और जाके रिश्ता मांगे। रिश्ता मांगने पे कोई पाबंदी नहीं, कोई बिल नहीं आता। आपके बच्चों को ना पसंद है, बिस्मिल्लाह इनकार कर दें, अम्मा तो मौजूद हैं, कहीं ना कहीं कोई दलील मौजूद होगी, लड़के की खूबी, लड़के का ख़ानदान, लड़के की माँ, पापा को बात करेगा तो पता चलेगा ना कि ये लोग कैसे हैं। पर जब आप दोनों ने हाथ में हाथ डाल के मोटरसाइकिल पर बैठ के लंबी ड्राइव पे जाना है और गलत लम्हात गुजारने हैं और उसको भी छुपाना है और आके झूठ बोलना है, तो हर झूठे लम्हे के पीछे सज़ा होती है, जजा नहीं होती। ऐसी झूठी ज़िंदगी जितनी बच्चियाँ जीती हैं, मैंने उनको आखिर में रोते और करलाते ही देखा है। वो लड़के कितने खूबसूरत हों, वो कितनी अच्छी गाड़ियों पे आते हों, वो कितनी अच्छी आपको होटलें करवाते हों, वो कितने अच्छे दोस्तों से मिलवाते हों, वो आपको चाहे मरी लेके जाते हों, वो आपको चाहे लंबी ड्राइवों पे लेके जाते हों, उन्हें सिर्फ आपसे एक गर्ज़ होती है। जो ही ये गर्ज़ पूरी होती है, तो आप उनके लिए एक यूज्ड टिश्यू पेपर होते हो। फिर आपका उनकी ज़िंदगी में रोल इतना ही होता है, एक बोझल सा, कि जिससे उनका जी भरते देर नहीं लगती, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। चूँकि वो जिस कैटेगरी के होते हैं, उन्हें उस कैटेगरी के लोग और लड़कियां मिलती जाती हैं। माया को मिले माया, कर कर लंबे हाथ। तो आप माया के उस कैटेगरी में क्यों जाते हो कि जहां रिश्ते सिर्फ आपके जिस्म से जुड़ते हैं, उनमें से कोई रिश्ता आपके ख़ानदान से, आपकी रूह से, आपकी पाकीज़गी से, आपकी इज़्ज़त से, आपकी असमत से नहीं जुड़ता। ये वक्ती तौर पर जो तलज़्ज़ुज़ है, जो लज्जत है, इसी को नफसानियत कहते हैं, इसी को बेहजाई कहते हैं, इसी को लस्ट कहते हैं। इस लस्ट में जाने वाली सब लड़कियों का अंजाम बिलाकर एक सा होता है, उन्हें रोना पड़ता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, उन्हें फिर अपना इलाज कराना पड़ता है, और फिर उनकी हाथ से वो एतमाद, वो एतबार, वो सब रुखसत हो जाता है, कि जिसकी वजह से कि इज़्ज़तदार लड़की पहचानी जाती है। मेरा रब आपको हमेशा इज़्ज़त के आला दर्जे पे रखे, वो आपसे खुश रहे, आपकी माँ की आंखें ना कभी झुकें, आपके बाप की जो पग है, जो नज़र आती है या नहीं आती, वो कभी आपकी वजह से ना झुके, आपके भाइयों को आपकी वजह से खुदकुशी ना करनी पड़े। जब आपका ये गंदा राज खुले और उसमें उस गलती के नताइज आपके घर वालों को नज़र आने लगें, वो रसवाई कभी आपके घर का रास्ता ना देखे, इसलिए कि वो दिन, वो लम्हे, वो मोमेंट, वो लोग सारे ही बहुत बुरे होते हैं, जो आपको भी अपने जैसा बुरा बना देते हैं। काने नमक में सब नमक बन जाते हैं। जब जिस बात का इल्म है, बंदे को फिर उस रास्ते पे जाना भी नहीं चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।